हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। और ये आप देख सकते हो, मेरे हाथ में एक पुराना मोबाइल फ़ोन है। इस तरह का मोबाइल फ़ोन सभी की घर में होता है, जो कुछ साल यूज़ करने के बाद जब हैंग मारना शुरू कर देता है तो हम फेंक देते हैं या फिर घर में ही पड़ा रहता है। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा कैसे आप इस तरह का एक पुराना मोबाइल फ़ोन यूज़ करके एक शानदार एस्ट्रो कैमरा बना सकते हो, स्पेशली मून और प्लैनेट्स के लिए। और ये देख सकते हो, मेरा जो मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है अभी भी। और ये देख सकते हो, मैं एक सिलिंड्रिकल टाइप का जो एक एडाप्टर लगा दिया है उसका कैमरा के ऊपर। और ये आप देख सकते हो, मैंने ये एमसील से लगा दिया है। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। और दोस्तों, यह एक लेंस होता है जो मैंने पहले ही निकाल लिया है। ये देख सकते हो, यह लेंस जो मैंने निकाल लिया है इस कैमरा से, ट्वीजर से। और ये लेंस निकलने के बाद आप देख सकते हो इसका जो इमेज सेंसर है, ये आप देख सकते हो, इसके जो इमेज सेंसर दिखाई दे रहा है बहुत छोटा है। और आप देख सकते हो, इमेज सेंसर अभी भी काम कर रहा है, ये देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू वॉच द मून। और ये देख सकते हो आप, मेरे होममेड 8-inch डब्सनियन टेलीस्कोप। और ये रहा मोबाइल से बनाया हुआ एस्ट्रो कैमरा, आप देख सकते हो। और इसको मैं आप फोकसर के ऊपर लगा दूंगा कुछ इस तरह। और चलिए आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कैसे मैंने लगाया है इसको। ये आप देख सकते हो कैसे लगाया, बहुत इजी है। चलिए फिर से दिखा देता हूँ कैसे लगाया। यह है फोकसर, और फोकसर के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है। देखिए लग गया है। और ये आप देख सकते हो मून, स्काई बहुत क्लियर है आज। और यह मैंने सेट कर लिया है। अब मैं मून का जो इमेज है उसको मैं स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो। और ये आ गया है मून का जो इमेज है उसको, वो मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है।
फोकस कर लेता हूँ आप। और ये देखिए फोकस हो गया है, और आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो जो मून का जो इमेज है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, क्योंकि मैं जो टेलीस्कोप उसको मैं कोई ट्रैकर के ऊपर नहीं बैठाया है। दोस्तों आप इस तरह का सेटिंग करके आपके फैमिली को और बच्चों को मून या प्लैनेट्स आसानी से दिखा सकते हो, क्योंकि आईपीस के थ्रू ये सब देखना उतना आसान नहीं है, ऑब्जेक्ट हिल जाता है। और ये आप देख सकते हो कितने आसानी से आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा है ये मोबाइल के जो इमेज सेंसर है बहुत छोटा है DSLR के मुकाबले में, और इसलिए इसका जो क्रॉप फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसका मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा होता है DSLR के मुकाबले में। और ये आप देख सकते हो क्या शानदार दिखाई दे रहा है माउंटेन्स ऑफ द मून। दोस्तों इस तरह का सेटिंग करके आप आपके फैमिली को, बच्चों को या फिर स्कूल के बच्चों को आप दिखा सकते हैं प्लैनेट्स और मून। ये देखिए जूम भी किया जा सकता है। मेरा ये टेलीस्कोप 8 इंच F4 है, सिर्फ 800 mm फोकल लेंथ है, फिर भी कितना हाई मैग्निफिकेशन दिखाता है। इस तरह का सेटिंग आप देख सकते हो, क्योंकि इमेज सेंसर छोटा होने से क्रॉप फैक्टर ज़्यादा होता है। और देखिए जूम इन और जूम आउट करके भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और फोटो भी खींच सकते हो। और ये है सैटर्न, और ये है जुपिटर। और दोस्तों सेम टेलीस्कोप से DSLR से मून को कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, कितना छोटा दिखता है देखिए। और ये आप देख सकते हो मोबाइल से कितना बड़ा दिखता है। और दोस्तों इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक साथ कई सारे लोगों को, आपके फैमिली को, कई सारे बच्चों को एक साथ आप इस तरह से मून को या प्लैनेट को दिखा सकते हो, आईपीस में झांकने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी और टेलीस्कोप के रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।